देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अपनी आर्थिक स्थिति और पिता के बीमार रहने की वजह से अब पूरे घर का दारोमदार दिनेश के कंधों पर था। ऐसा नहीं था कि दिनेश एक गरीब घर से था, बल्कि असलियत में उसके घर परिवार को संभालने वाले उसके पिताजी अब अपनी बुरी दशा के कारण घुटने टेक चुके थे। पिछले 4 महीनों से उनके शरीर पर बीमारी राज कर रही थी। खैर, दिनेश भी लास्ट 2 महीने से अपने पिताजी के ट्रक को ड्राइव करना अच्छे से सीख चुका था। रात में ट्रक चलाना भले ही उसकी आदत नहीं थी, लेकिन दबाव और मजबूरी इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। हुआ भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही। बस कुछ ही समय में दिनेश को रात भर डिलीवरी करनी पड़ती और सुबह जाकर पढ़ाई के साथ साथ अपनी नींद पूरी करनी पड़ती। खैर, ये सब चल ही रहा था और अच्छी बात तो ये थी कि अब धीरे धीरे उसके पिताजी की तबीयत के सुधार देखने को मिला। तो दिनेश समझ चुका था कि अब बस कुछ ही दिनों की तो बात होगी, क्योंकि बाद में पापा अपना काम संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले कि उसके पापा की तबीयत ठीक हो पाती, सिर्फ एक रात ने दिनेश की जिंदगी को बदल कर रख दिया। खैर, उस रात क्या हुआ था आइए जानते इस कहानी में। रात का वक्त हो चला था। दिनेश अपने ट्रक लेकर उस दुकान पर पहुंचा जहां आज उसे डिलीवरी करनी थी, मगर आज डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी थी तो उसे केबिन में ही ट्रक खड़ा करके घर लौटना था। लिहाजा दिनेश ने वही किया। उसने अपने ट्रक को केबिन में खड़ा किया और केबिन से वो बाहर निकल गया। उसने अपने दोस्त राजीव को कॉल करके वहीं पर बुला लिया था और उसका दोस्त बस कुछ ही देर बाद ही उस स्थान पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद दोनों दोस्त सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंचे और खाना वाना खाने लगे, और तभी उनकी नज़र उसी रेस्टोरेंट में बैठी एक लड़की पर गई। तो उन्होंने देखा कि वह लड़की बार बार दिनेश की तरफ देख रही थी। हालांकि दिनेश इस बात से अनजान था, लेकिन राजीव इन सब बातों को नोट कर रहा था। राजीव ने ये बात दिनेश के कान में काफ़ी धीमी आवाज़ के साथ बताई तो दिनेश भी उस लड़की को घूरने लगा। और अब दिनेश कहाँ रुकने वाला था। उसने तय कर लिया था कि वो कुछ भी करके इस लड़की को इम्प्रेस करेगा। और उसके बाद दोनों दोस्त खाना खाने में लग गए, और जैसे वो लड़की वहाँ से उठकर बाहर निकल गई तो उसके साथ ही दिनेश और राजीव भी वहाँ से बाहर निकल गए। वो लड़की बार बार राजीव को एक हल्की मुस्कान दे रही थी, बदले में राजीव भी यही करता रहा। और फिर वो लड़की एक ऑटो में बैठ गई और उस वक्त राजीव के पास उसकी भारी भरकम इंजन वाली एक बाइक अपाची थी। तो उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस ऑटो के पीछे लगा दी। उस ऑटो का ड्राइवर बार बार राजीव और दिनेश की तरफ देख रहा था, लेकिन बाइक चलाना तो दिनेश के बाएं हाथ का काम था। तो दिनेश उस ऑटो के बगल से बार बार बाइक को निकाल रहा था, और शायद ये बात उस ऑटो ड्राइवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो लड़की उस ऑटो के बीच वाली सीट पर बैठी हुई थी, तो दिनेश उस ऑटो के साथ साथ बाइक चला रहा था। और इतने में ही दिनेश को सड़क के बीचों बीच कुछ दिखाई दिया जो दिखने में बड़ा ही अजीब लग रहा था। लेकिन दिनेश ने बाइक को उसी तरह ऑटो के साथ साथ चलाना ठीक समझा। हालांकि उस लड़की की मुस्कुराहट अभी भी दिनेश को पागल बना रही थी। फिर कुछ देर के बाद एक बस स्टैंड नजर आया और वहीं उस ऑटो के ब्रेक लग गए, और उसी दौरान वो लड़की भी उस ऑटो से नीचे उतरकर एक छोटे से कस्बे की तरफ चल पड़ी। बस फिर क्या था, चारों ओर का इलाका भी पूरी तरह से वीरान था, और यही एक मौका था जब दिनेश उस लड़की को अपने दिल की बात बयां करने वाला था। दिनेश बाइक को अच्छी खासी रफ्तार से भगाता हुआ जब उस लड़की को ढूंढने लगा तो उसने पाया कि दूर दूर तक उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं है। अंधकार तो काफी गहरे रूप में छाया हुआ था, मगर कहीं भी कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था, यानी इलाका एकदम वीरान था। रात के उस घनघोर अंधेरे के बीच दिनेश एक स्थान पर पहुंच चुका था जहां पर बड़े बड़े और घने आकार के पेड़ छाए हुए थे। मगर ताजुब की बात तो ये थी कि कुछ पलों पहले जो लड़की उस ऑटो से नीचे उतरी थी अब वो गायब हो चुकी थी। वो लड़की गई तो गई कहां, दिनेश यही सब सोच रहा था, क्योंकि वहां पर आसपास कोई भी मकान नहीं था। इसी बीच एक बार फिर दिनेश की नज़र सामने की तरफ दिखाई देने वाले एक छोटे से घर पर पड़ी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि शायद ये घर उसी लड़की का निवास स्थान है। उस रात घनी देर होने की वजह से राजीव और दिनेश वापस अपने घर की तरफ चल दिए, क्योंकि अब देर रात हो चुकी थी। लेकिन वो करीब 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस स्थान तक पहुंचे थे। खैर, अब दिनेश को किसी भी हालत में वही लड़की चाहिए थी।
मगर उसका घर कोसों दूर था। खैर बाइक सही रफ्तार से सड़क पर दौड़े जा रही थी। अगस्त का महीना चल रहा था तो हल्की हल्की गर्माहट की वजह से दिनेश का शरीर धीरे धीरे पसीने से भीगने लगा और अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से आते वक्त उन्होंने ऑटो के बाहर कुछ देखा था जो दिखने में काफी अजीब भी लग रहा था, लेकिन अब वहां का नजारा एकदम साफ था। लेकिन तूफान कब खड़ा हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। बाइक अभी भी नॉर्मल स्पीड के सहारे आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उन दोनों को सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में कोई खड़ा हुआ नजर आया। दिखने में वो कोई आदमी लग रहा था जो बाइक के सामने अपना हाथ दिखा रहा था। तभी दिनेश ने बाइक को धीमा करना शुरू कर दिया और फिर उस आदमी के करीब जाकर बाइक का ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगते ही वो शख्स उन दोनों से जल्दी से बोल पड़ा, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? इस बार राजीव ने मना नहीं किया और उस आदमी को बाइक पर बैठने को कहा, लिहाजा वो आदमी बाइक की सीट पर बैठ गया और फिर दिनेश ड्राइव करने लगा। ड्राइव करते समय बाइक तो अच्छी रफ्तार में थी, लेकिन दिनेश को ऐसा लग रहा था मानो अब उसके हाथों में इस बाइक का कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो ड्राइविंग सीट के ऊपर भले ही दिनेश बैठा हो, लेकिन फील ऐसा हो रहा था मानो ड्राइविंग कोई और ही कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद ही उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी और ये आवाज दहशत से भरपूर थी। दोनों के हाथ और पैर एकदम से कांप उठे क्योंकि ये भारी और डरावनी आवाज उन दोनों के पीछे से आ रही थी। आवाज में इतनी दहशत थी कि वो दोनों अपनी पूरी क्षमता जुटाने के बाद भी पीछे नहीं पलट सके, क्योंकि अब उन्हें भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस वक्त उनका पाला किसी अनजानी शक्ति से टकराया है जो बोलने में ही नहीं बल्कि हकीकत में एक खौफनाक सच्चाई है। और उसी दौरान उनकी बाइक डगमगाने लगी और जिस कारण बाइक सीधे एक पेड़ से टकरा गई और सभी लोग धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अपने शरीर पर भारी जख्म झेलते हुए जब दोनों दोस्त किसी तरह उठे तो उन्होंने पाया कि जो आदमी कुछ देर पहले हमारी बाइक के पीछे बैठा हुआ था वो अब वहां से गायब था और कहीं ना कहीं ये बात बता रही थी कि इन सबके पीछे उसी भयानक आदमी का हाथ है जो कि कुछ देर पहले बाइक पर सवार था। थोड़ा सा समय बीता ही था कि अचानक से उन दोनों को अपने सामने की दिशा में वही आदमी खड़ा हुआ दिखा और अब की बार उस आदमी के हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी जैसी कुछ नजर आ रही थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस आदमी का पूरा शरीर अब बदल चुका था और अब वो आदमी अपने लंबे चौड़े शरीर के साथ उनकी तरफ ही बढ़ने लगा, क्योंकि अब उस आदमी का वो कातिलाना शरीर दिखने में और भी डरावना और खौफ से भरपूर था। दरअसल इस बार उस आदमी की गर्दन एकदम नीचे की तरफ झुकी हुई थी और साथ ही उसके हाथ खून से भी सने हुए थे। राजीव के हाथ में बहुत जोर की चोट भी लग गई थी और यही एक बड़ा कारण रहा कि राजीव के पास अब वो हिम्मत नहीं थी कि वह दिनेश के साथ इस जगह से भाग सके। वह किसी तरह अपने जख्मों से भरपूर शरीर को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन अपने शरीर के साथ वहां से निकलना अब उन दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल होने लगा। और उसके बाद राजीव अपने घायल शरीर के साथ जमीन पर वहीं गिर पड़ा। दिनेश की आंखों के सामने उस भयानक से दिखने वाले आदमी ने एक कुत्ते का रूप धारण कर लिया और एक ऐसा कुत्ता जो किसी राक्षस के जैसा दिख रहा था। दिखने में वो इतना डरावना था कि दिनेश अपनी पूरी हिम्मत जुटाने के बावजूद भी एक कदम भी उस कुत्ते की तरफ बिल्कुल भी बढ़ा नहीं पाया। अब वो कुत्ता था या फिर कोई राक्षस, इस बात के बारे में कुछ देर के बाद ही उन्हें पता चलने वाला था। ये सब चल ही रहा था कि उस कुत्ते जैसे राक्षस ने राजीव के शरीर पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर वो चबाने लगा। अपने दोस्त की इस भयानक दशा को देखने के बाद दिनेश का दिमाग घूम चुका था और इसी बीच उसके हाथ के ऊपर किसी ने काट लिया। जब उसने अपने पास देखा तो उसने पाया कि उस समय जो उस राक्षस के नीचे पड़ा हुआ था वो उसका दोस्त नहीं बल्कि कोई और था, क्योंकि उसका दोस्त उसके आगे आगे भाग रहा था और उसे भी भागने का इशारा कर रहा था। फिर मौका मिलते ही दिनेश भी राजीव के साथ साथ तेजी से भाग पड़ा। अब उन दोनों की दशा तो बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन मुश्किल अभी कहाँ खत्म होने वाली थी, क्योंकि उनके सामने की ओर एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। और इस बार की मुसीबत कयामत की एक ऐसी आंधी थी जिसके सामने अपने घुटने टेक पाना भी किसी इंसान के लिए नामुमकिन था, क्योंकि सामने की दिशा में एक बूढ़ी औरत अपने बालों को खुला किए एक वृक्ष के ऊपर बैठी हुई थी और लगातार उन दोनों की तरफ मुस्करा रही थी। उसके हंसने का तरीका भी काफी अजीब और डरावना लग रहा था, लेकिन उन दोनों की किस्मत चमकती दिखने लगी
जब उन्हें अपनी ओर एक छोटी सी गाड़ी आती हुई नजर आई और उस गाड़ी को अपनी तरफ आता देखकर वो दोनों उस गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाने लगे। गाड़ी वाले ने तुरंत ही गाड़ी को रोका और उन दोनों की बुरी दशा देखकर उन्हें बैठने का इशारा किया। दोनों दोस्तों ने देरी ना करते हुए उस गाड़ी के अंदर बैठना ही ठीक समझा और फिर वहां से वो निकल पड़े। उस गाड़ी के अंदर महादेव की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी। दोनों भगवान को नमस्कार करते हुए अपनी जिंदगी की दुआ करने लगे ताकि आज उन्हें एक नई जिंदगी मिल सके। खैर उसी वक्त उनकी किस्मत ने उनका साथ देना शुरू कर दिया और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक विशाल सा मंदिर दिखा और यह दिव्य मंदिर उनके गांव के बाहर का मंदिर था, यानी कि अब वे अपने गांव के बेहद करीब पहुंच चुके थे। गांव में पहुंचने के बाद वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए और उसी मंदिर के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन 2 बजने को चले थे और उसी समय दिनेश के फ़ोन की रिंग बजने लगी। फ़ोन उठाने पर उन्होंने पाया कि फ़ोन पर उसके पापा थे। फिर दिनेश ने इस हादसे के बारे में अपने पापा को बताया तो उसके पापा ने दिनेश को घर पर आने को कहा। घर पर पहुंचने के बाद दिनेश को पता चला कि जो भी नेशनल हाईवे 58 के उस खौफनाक रास्ते पर आधी रात में सफ़र करने की हिम्मत करता है तो उसे मौत से सामना करना पड़ता है। हालांकि राजीव के साथ साथ दिनेश एक किस्मत वाला इंसान था जो पहली बार एक ऐसे खौफनाक हाईवे से जिंदा बचकर लौट रहा था जिसकी खौफनाक दास्ता आसपास के इलाके में फैली हुई थी। दोस्तों इसलिए कहते हैं हमें बिना कुछ सोचे समझे हर किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्या पता किस दिन किसी चीज़ से मुलाकात करनी पड़ जाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।